अगर आपकी ताला टूटी ये डिजिटल मीडियम में, तभी भी आपको कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल इजी होगा, क्योंकि अब ऐसा कॉमन कार्ड होगा जो सब जगह चलेगा, आप चाहे उसे मेट्रो में चलाएं, चाहे उसे बस में चलाएं, सब जगह चलेगा जैसे विदेशों में है। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस इनसाइड यानी हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेवा हाजिर हूं, और एक बार फिर से हमारे खास एक्सपर्ट यानी कि हमारे शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी हमें सारी वो राय देने के लिए मौजूद हैं जो आपके बिजनेस से जुड़ी होती हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं और उसको एक नया आयाम दे पाते हैं। साथ ही साथ हमारे शो पर हॉट सीट पर स्वागत है हमारे एक्सपर्ट का, जो है श्री निवेदन सहनी जी, आईटी जगत के महानायक। आइए उन दोनों का स्वागत करते हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत जी। नमस्कार। और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, दो पर तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, लेकिन तीसरा हमारा बाकी था, मोबाइल वॉलेट, जिसमें आपने कहा था कि चार तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है सेमी ओपन, एक होता है क्लोज और एक होता है सेमी क्लोज। इस पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा और हम रोशनी डालें सर आज, और हम जाने कि इससे हम कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि ओपन वॉलेट ऐसा होता है जिसमें आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं जी, और जो हमारे देश में ज़्यादा चल रहे हैं वो चल रहे हैं सेमी क्लोज, जिसमें कि आप पैसा डाल के उसे आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोज वॉलेट बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सिर्फ ई कॉमर्स साइट पे होता है। जब आप कुछ वापस करते हैं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया, आप उसी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं जी। और सेमी ओपन होता है जिसमें कि आप परचेजिंग कर सकते हैं, कैश विड्रॉ उसमें भी नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा SBI ने निकाला है अपना SBI बडी, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा ई वॉलेट है, आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो भी शॉपिंग करना चाहें, जहाँ भी खर्च करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो जैसे आप बटुए में पैसा रख के चलते थे, वैसे ही उसमें रख के चलें, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। किसी दोस्त को देना है, अच्छा, ट्रांसफर करना है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ परचेज करना है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई लिमिट भी होती है इन ओपन वॉलेट्स की या सेमी ओपन वॉलेट्स या फिर क्लोज वॉलेट्स? ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना चाहिए। अच्छा। जैसे कि आपको लगता है कि मैं एक महीने में जो शॉपिंग करता हूँ वो शॉपिंग मान लो 10,000 की या 15,000 की करते हैं, तो आपको 15,000 उसमें डालना चाहिए, 10,000 डालना चाहिए, क्योंकि आप जब मर्जी डाल सकते हैं, आप अपने पर्स में अपने बैंक से निकाल के जब मर्जी पैसा डाल सकते हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके। तो इसलिए आपको उसमें कम ही पैसा रखना चाहिए जितने पैसे का यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उस पर कोई ब्याज या इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। और आपके सेविंग अकाउंट में अगर पैसा पड़ा हुआ है या FDR की और पैसा पड़ा हुआ है, उसमें आपको ब्याज मिल रहा है, तो इसलिए उसमें उतना ही पैसा ट्रांसफर करें जितने की आपको शॉपिंग करनी होती है, या आपका अंदाजा है कि महीने में इतने की हम शॉपिंग करेंगे। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगी, मोबाइल वॉलेट जो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने एक चीज बोला कि जो पासवर्ड और पिन है उसको रखें, किसी को ना बताएं, या किसी को ना बोल दें कि हाँ ये मेरा पिन है तू कर ले या आप कर लो, तो वो होना नहीं चाहिए। शेयर नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंड, यू नो, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कोई भी यूटिलिटी आप करते हैं, उसके बैकएंड में भी आपको एक टोटल ट्रांजैक्शन लिस्ट मिलती है। तो मेरे हिसाब से आपको हफ्ते में एक बारी या महीने में एक बारी, डिपेंडिंग अपन आप कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके ऊपर जरूर एक बारी नजर मान लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, जो भी सिस्टम हम नया नया अडॉप्ट करते हैं, कभी कभार हमसे गलतियां भी होती हैं, टाइप करने में, पंच करने में, वो गलतियां भी होती है। पिन तो दूसरी बात है, थोड़ा बहुत गलतियां होती है। अगर मैं उसको चेक करता हूँ, तो मुझे अगर कहीं लगा कि ये ट्रांजैक्शन मेरे से गलती हो गई है, तो आपकी वो सारे ट्रांजैक्शन रेक्टिफाई भी हो सकती है। कई बार ये देखते हैं कि डिजिटाइजेशन जब होता है तो कई बार डबल ट्रांजैक्शंस भी हो जाती है, जिसका अंदाजा नहीं रहता है। मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हो चुका है, इसलिए जानना चाह रही हूं। तो क्या इसके आगे चल के डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं सर? नहीं, देखिए, मेरे को लगता है ये ट्रांजैक्शन ज्यादा ध्यान से करने वाली है। एक तो जितनी जरूरत है उतनी करें, और कभी डबल आपको लगता है कि आपको दो बार ट्रांजैक्शन हो गई है, तो आपको तुरंत बताना चाहिए, और वो आपके अकाउंट में रिवर्स होएगा पैसा। अच्छा। यदि ऐसा हुआ है कि दो बार होगी, एक ही ट्रांजेक्शन के दो बार पैसे चले गए, कभी मशीन खराब होगी, कभी लाइट चली गई, इंटरनेट नहीं काम करा, और आपको लगता है कि दो बार हो गया, तो आपको जरूर वेरीफाई करना चाहिए और एक पैसा आपको रिफंड मिलना चाहिए। चौथा इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग एप्स का भी हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना चाहूंगी कि हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। हमारे देश में लगभग अगर हम देखें मोबाइल कनेक्शन, तो वो 103 करोड़ है। अच्छा, मतलब 100 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा हमारा मोबाइल फोन जो रखते हैं उनके पास है। अच्छा। और अगर मैं ये देखना चाहूं कि इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं, तो हमारे देश में 46 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और अगर मैं स्मार्टफोन देखना चाहूं, तो हमारे देश में आज 2017 में 34 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाकियों का क्या, जो बाकी की जनता है उनको भी तो इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रेरित करना होगा। बिल्कुल करना होगा, और अल्टीमेटली वो सब लोग करेंगे, लेकिन ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, और हमने US के भी आगे निकल गए हैं स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में। तो स्मार्टफोन जिसके पास है
इंटरनेट कनेक्शन जिसके पास है उसके लिए मोबाइल बैंकिंग है, तो जो आप सबसे पहले जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें अपना मोबाइल नंबर जाके आप ऐड कराएं अपने बैंक में जाके, जिससे कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उन सब का SMS आपके मोबाइल फोन पे आए, और उसके बाद आप एक उनका ऐप, हर बैंक का ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करें, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करें, यूनिक ID बनाएं, अपने पासवर्ड क्रिएट करें, तो उसके बाद आपको एक एक मोबाइल आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है और एक उसके बाद मोबाइल पिन मिल जाता है जिसे M-PIN बोलते हैं आप। राइट। इन दोनों के माध्यम से आप पूरी बैंकिंग कर सकते हैं जो आप बैंक में जाके करते थे। अच्छा। तो आपने किसी को भी पैसा ट्रांसफर करना है, अपने अपने बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन पेमेंट करनी है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं, आपने किसी और को पैसा ट्रांसफर करना है उसके थ्रू कर सकते हैं, आपने कोई परचेजिंग करनी है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग, जिसके पास भी स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, वो मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करके अपनी लगभग हर तरह की नीड पूरी कर सकता है बिगर बैंक में जाए हुए। तो कितनी भी पेमेंट एट अ टाइम की जा सकती है, कितनी भी पेमेंट उसमें की जा सकती है, जो भी आपकी लिमिट्स आप खुद सेट करते हैं मोबाइल बैंकिंग में, आप लिमिट खुद सेट करते हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनी होती है उसमें जो होता है उसमें तो इंटरनेट बैंकिंग अलग अलग लिमिट होती है, जो हमने सेकंड बताया था। मोबाइल बैंकिंग क्योंकि आपके कंट्रोल में रहता है तो आपको खुद अपनी लिमिट सेट करनी होती है कि मैं कितने तक की ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल ट्रांजेक्शन पासवर्ड और ID से करना चाहूंगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात सुनील सर आपने बताई, लेकिन यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारा निचका तबका है उनके पास कई बार होता है स्मार्टफोन्स नहीं है या फिर दूसरे नॉर्मल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उन लोगों को ये अवेयरनेस जो सर हमें दे रहे हैं उन तक कैसे पहुंच पाएगी या वो कैसे यूज कर पाएंगे? टेक्नोलॉजी आता है USSD करके, जो स्मार्टफोन पे नहीं होता है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है, जो क्वाटिक कीबोर्ड के साथ चलता है, छोटा सा स्क्रीन होती है, तो आजकल बैंक भी USSD के फैसिलिटी में मोबाइल बैंकिंग वगैरह सारे ऑफर कर रहे हैं। अच्छा। सो वो मुझे नहीं लगता कि ये बैरियर होगा जाके कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है तो मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि ये बैरियर होगा। अच्छा। ये बैरियर को बहुत जल्दी काफी सारी कंपनी ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया इसको, तो वो धीरे धीरे चलेगा। देखिए मैम, होता क्या है, जहां पे डिमांड है वहां पे लोग जाएंगे। जी ओके। अब अगर आपको लगता है कि 30% और 40% ऑफ योर एंटायर सिटीजन स्टेइंग ऑन मेट्रो इज यूजिंग स्मार्टफोन, राइट, बट आपका रूरल सेगमेंट में उसका 6 गुना 10 गुना लोग हैं, तो टेक्नोलॉजी अपने आप ही आएगी। अभी तो USSD में उन्होंने कर दिया, SMS बेस कर सकते हैं आप, जैसे सर ने बोला था यू कैन ऑल्सो डू ट्रांजेक्शन विद एन SMS बेस इफ यू हैव एन अकाउंट आउट देयर। सो उस तरह की काफी सारी चीजें रोल आउट होने लगेंगी। जैसे मुझे कोई बोला कि अभी जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो शायद एक टोल फ्री नंबर पे फोन करके अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकता है। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे सर ने बताई, लेकिन ये जानना चाहूंगे सुनील सर आपसे कि USSD के बारे में सर ने बात की, ये क्या है? USSD होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अच्छा। मतलब कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है यदि वो भी इसका यूज करना चाहें तो उसके लिए सरकार ने एक बनाया है, इसको बोलते हैं *99#। जब आप ये दबाएंगे तो इसके बाद आप जो ट्रांसफर है और जो फैसिलिटी आपको मिलती है वो इसके थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि अब आप अपने वो जो बार फोन्स का आप यूज करते हैं ना उनके जरिए भी ट्रांजैक्शंस करने में इनफैक्ट अवेयर तो हो ही जाएंगे, साथ साथ उसमें आपके लिए वो पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए आपको नहीं लगता सर कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत है, और ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से हो रहा है, और ऐसे मेरे को लगता है सरकार बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है, लगातार एडवर्टीजमेंट भी कर रही है और सब पंचायतों तक पहुंच रही है, तो जरूर पहुंचेगी अवेयरनेस। अच्छा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने बात की, लेकिन अभी और भी बाकी है, जैसे कि आधार बेस्ड बैंकिंग क्या होती है, इससे आपकी ट्रांजेक्शन कैसे और इजी हो सकती है सिर्फ एक थंब इंप्रेशन के साथ, ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिजनेस इनसाइट। इसको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे यूज करिए जो एक्चुअली आपकी डेली टू डेली लाइफ को सॉल्व करेगी, और अच्छा, वो होता है मनी ट्रांजेक्शन। अब बारी आती है बहुत इंपॉर्टेंट, और जो आजकल हमारा नया पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ है विच इज आधार इनेबल्ड पेमेंट। इसके बारे में जानने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, तो क्या है ये, कैसे एक थंब इंप्रेशन के जरिए सारे ट्रांजैक्शंस को इजीली किया जा सकता है? देखिए ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, क्योंकि हमारे देश में आधार कार्ड काफी लोगों के पास है, तो जो आपका बैंक अकाउंट है उसको अपने लिंक करना है अपने आधार कार्ड से, बैंक जाकर अपने आधार नंबर देना है अपने बैंक अकाउंट को बैंक मैनेजर को, तो वो आपका हो जाएगा, या ATM के माध्यम से भी इसे आप कर सकते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा उसके बाद सरकार ने नई डिवाइस निकाली है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो ATM, उसके जरिए आप अपना आधार कार्ड सिर्फ देंगे उसे और जो भी ट्रांजेक्शन करनी है ट्रांजेक्शन करेंगे और उसके बाद अपना थंब इंप्रेशन लगाएंगे। अच्छा। तो उससे आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आपने किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, किसी और को पेमेंट देनी है ये, और कैश विड्रॉ करना है, ये सारी सुविधाएं आपको
इसे हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। यानी कि किसी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश की जरूरत नहीं, जो आपका आधार कार्ड है वही आपका एक तरह से डेबिट क्रेडिट जो भी आप कार्ड कहना चाहें वही हो गया। यहाँ पे आपकी राय भी जान लेते हैं, आपका सजेशन भी जान लेते हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि इतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा सब कुछ जैसे सर ने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। हो गया है ऑलरेडी। देखिए जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो तीन जगह बड़ा यूनिक होती है, एक थोड़ा लास्ट है जो वीक है, एक होता है आपकी टेलीफोन नंबर, मोबाइल टेलीफोन, वेरी यूनिक आइडेंटिटी ऑफ योर। सेकेंड इज योर आधार कार्ड नंबर। थर्ड इज योर कार नंबर। कार नंबर मे बी देर विल बी डुप्लीकेसी इफ आई डोंट टेक द कंप्लीट वन, बट ये दोनों तो कहीं नहीं गए। इट इज वेरी वेरी यूनिक बिकॉज ऑफकोर्स पासपोर्ट एंड ऑल आर देयर, बट वो डेली यूटिलिटी में काम नहीं आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सरकार ने ये दोनों चीज को कंबाइन करके आपकी बैंक से रिलेट करता है तो फ्रॉड होगी कहाँ? तो मुझे तो एडवांटेज ही एडवांटेज लग रहा है। दो यूनिक आईडी आप बैंक से लिंक करते हैं सो फ्रॉड होगा कैसे? Exactly. मुझे तो लगता है कि ये चेंज होगी सिनारियो, बहुत जल्दी चेंज होगी। लेकिन अगर किसी का आधार कार्ड मिसप्लेस हो जाए या चोरी हो जाए या फिर कहीं गिर जाए तो फिर क्या? उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आधार कार्ड एक नंबर होता है, उसको आप आधार गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, कार्ड को आपके पास सिर्फ याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नोट करके आधार कार्ड नंबर जरूर रखते हैं आप। हाँ। तो आधार खोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई और आदमी आपके पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि अंगूठा तो आप ही का लगेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, अगर मैं अपनी भी बात करूं, वैसे अब मैं घर जाते ही नोट कर लूंगी अपना आधार कार्ड नंबर, जो आधार कार्ड को डायरी में नोट करके नहीं रखते हैं, कंप्यूटर में नोट करके नहीं रखते। जरूर रखने चाहिए, बल्कि मैं ये कहूंगा आपको इन सबकी फोटो कॉपी या सबकी स्कैन कॉपी आपको अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फोन पे जरूर सेव करके रखनी चाहिए, फिजिकल कॉपी भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी, मतलब कि इन सबको आप डिजिटाइज कर लें और अपने इंस्ट्रूमेंट में रखें, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। वेल, कोई और भी खास बात है जो कि हमें ध्यान रखनी है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को इनफैक्ट यूज करते हुए? इसको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे यूज करिए जो एक्चुअली आपकी डेली टू डेली लाइफ को सॉल्व करेगी, और अच्छा, वो होता है मनी ट्रांजैक्शंस। हम सुबह से उठ के शाम तक वापस आने तक कहीं ना कहीं तरीके से हमारी कुछ ना कुछ पैसे, वर्चुअल मनी कह लीजिए या कुछ ना कुछ पैसे से जुड़े हुए चलते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें अगर आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी अटैच होती है, मेरे हिसाब से दैट इज द बेस्ट थिंग दिस गवर्नमेंट इज डूइंग, अटैचिंग इट योर पर्सनल आइडेंटिटी टू योर बैंकिंग सिस्टम एज सर एज सेड विद योर थंब इम्प्रेशन। सो आई थिंक इट इज अ कंप्लीटली फुल प्रूफ। एग्जैक्टली, क्योंकि आधार कार्ड खो सकता है लेकिन आपका थंब तो किसी और के पास नहीं जा सकता ना, वो तो आप ही का इंप्रेशन रहेगा। वेल, बड़ी अच्छी टेक्निक है और बहुत अच्छी स्कीम निकाली है सरकार ने। अब इसका फायदा आपको कैसे उठाना है ये आप ही को तय करना है और आप ही को डिसाइड करना है। वेल, यहाँ पे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की हमने बात की, और अगर एक और छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि इससे डिफरेंट अगर बैंक में ट्रांजेक्शन करनी है तो सब बैंक में आधार कार्ड नंबर आपका होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है। और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर कराएं, जिससे कि हर ट्रांजैक्शन के इमीडिएटली बाद, बल्कि ट्रांजैक्शन होते होते आपको एसएमएस आ जाता है, जिससे कि फ्रॉड नहीं होंगे, आपको पता लगेगा एसएमएस आया, मैंने की कि नहीं की। ऐसे ही आधार कार्ड, अपना आधार नंबर जो है, आप जितने भी बैंक अकाउंट है उन सबसे लिंक जरूर कराएं। अब बारी आती है आज के हमारे छठे इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि सिक्स्थ पैरामीटर की, विच इज यूपीआई, जो आपने बताया बहुत खास है, बहुत अलग भी है। कैसे? क्या हुआ कि हमारे देश में जितनी भी आप मोबाइल बैंकिंग ले लो या जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, सब में आपको जब भी आप पेमेंट करते हो तो जिसको पेमेंट करते हो उसकी पूरी डिटेल कैप्चर करनी पड़ती है और अपनी डिटेल भी डालनी पड़ती है। तो इसको आसान करने के लिए सरकार ने बनाया ये यूपीआई, जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें हमारे देश के 28 बड़े बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको बहुत ही आसान तरीका है, सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करें जो किसी भी बैंक की वेबसाइट से या थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें आपको यूनिक आईडी या तो अपना टेलीफोन नंबर या आधार नंबर या जो आप चाहें एक यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी। यूनिक आईडी बनाने के बाद आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप बैंक सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको अपने बैंक के सारे पर्टिकुलर्स एक बार पहली बार डालने पड़ेंगे। जब वो सारे फीड कर जाएंगे उसके बाद आपको अपना पिन सेट करना पड़ेगा, पासवर्ड, जिसे हम एम पिन बोलते हैं, अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। जब वो आप सेट कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखिए पेमेंट कितनी आसान हो गई। इसके बाद आपने जब भी किसी को पेमेंट करनी है तो आपने उससे सिर्फ पूछना है कि आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। उसने आपको बताया, आपने सिर्फ अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, उसका नंबर डालना है, कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं, किस पर्पस के लिए ट्रांसफर करने हैं, और एक बटन दबाना है सेंड।
तो आपका अच्छा। पैसा वहां पहुंच गया। एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल होगा? नहीं, अभी ये iOS पे बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन एंड्रॉइड के सारे फोन पे अवेलेबल है। अच्छा, तो इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें एक और बेनिफिट दिया है कि आप मनी कलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कोई पैसा लेना है, तो मैं आपको डालूंगा कि आपने मेरे से इतना पैसा लेना है, आपका यूनिक आईडी डालूंगा, अपना डालूंगा, बोलूंगा इतने पैसे लेने हैं, तो आपके पास आ जाएगा अप्रूवल के लिए कि भाई इतने पैसे आपको वो कलेक्ट करना चाहता है आपसे, आप अलाउ करते हैं, आपने अलाउ किया तो ट्रांसफर हो गया। तो इसमें बार बार आपको ना अपने बैंक की डिटेल डालनी ना उनके बैंक की डिटेल डालनी, आपने सिर्फ अपना यूनिक आईडी और उसका यूनिक आईडी जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया, बहुत आसान, मतलब कि इसे कोई भी आदमी इसे इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें सिक्योरिटी फीचर इतने अच्छे हैं कि आपके साथ फ्रॉड होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार ने हमारे देश के सिनेरियो को देखते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको देखते हुए निकाला है कि सारे बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों की आपने बात की, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमें कि ये क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, क्या वहां पर अगर एंड्रॉइड यूजर्स नहीं है या उनको नहीं पता कैसे यूज करना है, वो लोग कैसे मतलब इसको यूज करने में सक्षम हो सकते हैं? देखिए मैम, उसमें क्या होगा कि जैसे USSD की सर ने बात करी है और रूपी कार्ड की बात हुई है, तो कुछ ना कुछ माध्यम है उनके पास। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनको कुछ भी माध्यम नहीं दिया है कि आप ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते हो, खाली कैश पे कर सकते हो। सो कुछ ना कुछ माध्यम सरकार ने उनको दिया है, अगर उनके पास नहीं है तो वो इमीडिएटली जाके वो अवेल कर ले, क्योंकि जीरो अकाउंट खोले, रूपी कार्ड ले, या आधार कार्ड अगर नहीं बनाए आधार कार्ड बनाइए, तो वो सारे चीज उनको अभी कर देना चाहिए अगर करा नहीं है तो, क्योंकि सरकार उस मामले में तो बहुत फ्लेक्सिबल है। जी, UPI के बारे में और डिस्कशन करेंगे सर आपसे भी और आपसे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार और भी इंटरेस्टिंग चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए बिजनेस इनसाइट। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित और समृद्ध देश बने, तो हमको हार्ड करेंसी से डिजिटल करेंसी की तरफ जाना ही होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बिजनेस इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, UPI के बारे में जैसे हमने बात की, बड़ा सिंप्लीफाइड सिस्टम है, और ये भी जानना चाहूंगी इसे ऑपरेट कौन करता है, कहां से किया जाता है? देखिए, गवर्नमेंट की खुद की कॉरपोरेशन है जो इसको ऑपरेट करती है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, वो इसको करती है। और इसमें सारे बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, अभी 28 बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी बैंक और जुड़ जाएंगे। तो मेरे को लगता है ये इतना इजी पेमेंट सिस्टम है जिसको कि सब लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, और इसके द्वारा वो अपना जितना भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है और जो भी काम करना चाहते हैं इसका प्रयोग करके कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब की। हमें एक मेल लिखकर भेजा है विक्रम जी ने, भुवनेश्वर से, जानना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है बिजनेस का इनके पास, वन मैन कंपनी की शुरुआत करना चाहते हैं जो हमारे देश में अलाउ भी हो गई है, कैसे कर सकते हैं? विक्रम जी को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इनके पास यूनिक आइडिया है, उन्होंने प्लान किया है कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। और आपका जो आइडिया है कि आप एक वन पर्सन कंपनी, मतलब खुद ही की एक कंपनी बनाना चाहते हैं, जो कि अब हमारे देश में अलाउड है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसको बोलते हैं MCA.gov.in, इस पे आप जाएं, पूरी फॉर्मेलिटीज उसमें दी हुई हैं, उस पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिल्कुल सही, बड़ा आसान तरीका है, MCA.gov.in। उम्मीद करती हूँ आपने इसे राइट कर लिया होगा, इनफैक्ट इसे लिख लिया होगा, और आगे चलकर ये आपके लिए काफी फायदेमंद भी साबित होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें लिखकर भेजने के लिए। वेल, यहाँ पे अब बारी आती है हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे की, जो है अजय कुमार जी। ITI से ये BFA यानी बैचलर ऑफ फाइनेंस का कोर्स करना चाहते हैं और इसके लिए लोन लेना चाहते हैं, कहाँ से और कैसे इन्हें लोन मिल सकता है? देखिए, इसके लिए विद्या लक्ष्मी नाम का एक पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू ये अप्लाई कर सकते हैं। और इनको जिस भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं तो उसमें जाके इनको देखना पड़ेगा वो यूनिवर्सिटी उसके अंडर फॉल करती है कि नहीं करती, उसके बाद उसी में अप्लाई कर सकते हैं सिंगल एक उसमें। तो जो भी बैंक इनको लोन देना चाहेगा वो उसमें अपना वो डालेगा, तो उसके जरिए इनको लोन आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है अजय जी, आपको यहाँ पे अपने शो पे मैं इनवाइट भी करना चाहूंगी क्योंकि आप हमारे लकी कॉलर ऑफ द डे हैं। सो लेट्स इनवाइट अजय कुमार जी। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं बिहार से हूँ, ITI AKS निजामुद्दीन में पेंटर जनरल ट्रेड में हूँ। बिजनेस इनसाइड के सेट पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर हमें सुनील सर ने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी अच्छे तरीके व सुझाव बताए, मैं इनका यूज फ्यूचर में जरूर करूंगा, थैंक्स टू सुनील सर। तो ये थे हमारे आज के लकी कॉलर ऑफ द डे यानी कि अजय कुमार जी, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है ना, तो आप हमें जरूर लिखकर भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर SMS के जरिए भी कोई भी सजेशन हमें भेज सकते हैं। अच्छा, चलते चलते आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगी, मैं सबसे पहले आपसे जान लेती हूँ सर, सरकार के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे या फिर जो बिजनेसमैन है या फिर जो निचले तबके के लोग हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे?
देखिए, ये जो इनिशिएटिव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, मेरे हिसाब से ये तो इंडिया की इमेज है, इकोनॉमी इमेज चेंज होगी. बट पहले आपने सुना होगा, एक हम बड़ा कॉमन वर्ड यूज करते थे, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. अगर इसको ग्रास रूट तक लेके जाना है तो मैं सोचता हूँ उसको जीपीपी बना देना चाहिए, गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप. सो उसमें प्राइवेट भी लोग जुड़ेंगे, प्राइवेट लोग भी जाएंगे रूरल सेक्टर में, गवर्नमेंट का गाइडलाइन होगा. तो उस गाइडलाइन को थोड़ा अगर हम फॉलो करेंगे तो मेरे सक्सेसफुल हो मेरे हिसाब से कोई रोक नहीं सकता. क्योंकि एक इनिशिएटिव उन्होंने टॉयलेट बनाने के लिए थी, काफी सारी कॉर्पोरेट उसको आज चैलेंज लिए और एग्जीक्यूट भी करे. मेरे हिसाब से हम जो हैं, हम जो कॉर्पोरेट हैं और हम जहां पे काम करते हैं, हम वहीं से शुरुआत करें कि वहां पे अगर आपकी स्टाफ 25 है 50 है, पहले तो हम उनसे इंश्योर करें कि वो खोले, क्योंकि वो गांव से आते हैं. फिर जब उनको यहाँ पे सुविधा मिलेगी, वो शायद गांव में जब जाएंगे वो 10 आदमी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से जीपीपी मॉडल बनाना चाहिए और उसको ग्रास रूट लेवल तक ले जाना चाहिए. बड़ी अच्छी बात कही, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन क्योंकि पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा. और जैसे मैं शुरू से कहता हूँ कि पब्लिक को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, सबको लोगों को अवेयर करने की दिशा में बढ़ना पड़ेगा. और गवर्नमेंट इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी जोड़ सकती है, जिससे कि ये ऐप की डाउनलोडिंग और ये कुछ काम फास्ट हो जाए. अच्छा, आपको लगता है कि जो डिजिटलाइजेशन है, इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे? देखिए, इसे एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है. और हिंदुस्तान में आप तभी किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं जब आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या आपको लगता है कि ये चीज ज्यादा अच्छी है. तो ये दोनों बातें इसमें हैं एप्लीकेबल. तो मुझे लगता है कि अब लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया और डाउनलोड देखिए कितने बढ़ रहे हैं. हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा. और चलते चलते ये भी बता दीजिए कि आज की राय क्या है हमारे सारे बिजनेसमैन के लिए, यानी सिग्नेचर कमेंट ऑफ द डे क्या है? यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित और समृद्ध देश बने, तो हमको हार्ड करेंसी से डिजिटल करेंसी की तरफ जाना ही होगा. वैसे इतनी सारी बातें आज हमने इंटरेस्टिंग की हैं, सारे टूल्स के बारे में लोगों को बताया है. आई एम श्योर कि लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे चल के इस शो के माध्यम से वो अपनी इकोनॉमी को और डेवलप करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे. वेल, आपका शुक्रिया करने से पहले हमारी जो रीत है वो हम पूरी कर लेते हैं, यानी ये मोमेंटो जो है वो हमारे अतिथि को हम पेश कर देते हैं आपके शुभ हाथों से. तो सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना इतना इंपॉर्टेंट वक्त आपने हमें दिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. सर, आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से इतना सारा वक्त हमारे लिए निकाल कर आए. थैंक यू. कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना उतना मुश्किल नहीं है, और अब तो जैसे सर ने बताया कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमने तो इसे अपना ही लिया है. वेल, इससे हमारा फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग होने वाला है. अगर आप भी इसके बारे में कोई राय देना चाहते हैं, या फिर कुछ भी हमें लिखकर भेजना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, या कोई भी बिजनेस टिप आप जानना चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जरूर हमें लिखकर भेज सकते हैं. हमारे ईमेल आईडी और फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं. फिलहाल तो आपसे इजाजत चाहेंगे विद अ प्रॉमिस कि अगली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आपसे चर्चा जरूर करेंगे आपके अपने शो बिजनेस इनसाइड में. और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. होप कि ये साल आपके लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आए और आपके जीवन को खुशियों से भर दे. नमस्कार.